to all of you. So let's begin. That we have started, and this is useful for LT lecturer and also for USET students. के लिए हमने सीरीज को शुरू किया, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा, ठीक है? Who defines या what author defines the function of, यहाँ पर which author भी हो सकता है, ज़्यादा बढ़िया रहेगा. तो which author defines the function of poetry with reference to the होरेस से संबंधित. होरेस हमारे राइटर हैं, तो होरेस एक रोमन ऑथर हैं. डिक्टम का मतलब होता है फिलॉसफी, या फिर हम कह सकते हैं मैग्जिम भी कहते हैं डिक्टम को ना. हम ये कहेंगे कि होरेस के कोटेशन से किस ऑथर ने अपनी पोइट्री के फंक्शन को डिफाइन किया, और कोटेशन आपको नोट करना है अपनी कॉपी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. किसने कहा था पहली बार इंग्लिश पोइट्री में, यूरोप में? तो कहा था होरेस ने, टू टीच ऑफ पोइट्री क्या है, टू टीच एज वेल एज डिलाइट है. तो ये कहा था, हाँ ट्राई कर रहे हैं, फिलिप सिडनी, यस ठीक है. तो फिलिप सिडनी ने बोला था ये, तो ठीक है. तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट का आंसर डी, ठीक है. फिलिप सिडनी ने यही बात दोहराई थी जो किसने कही है पहले, होरेस ने कही है. तो फटाफट कॉपी में मेन पॉइंट है, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, कि पोइट्री का फंक्शन सिर्फ खाली हमें सिखाना ही नहीं है, पोइट्री का फंक्शन हमें क्या है, डिलाइट देना भी है, प्लेजर देना भी है, ठीक है. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर टू. तो क्वेश्चन नंबर टू है, अगर हम देखें यहां पर, ठीक है, द मोटो आर्ट फॉर आर्ट सेक, ठीक है, आर्ट फॉर आर्ट सेक मींस दैट आर्टिस्ट बिगेन टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग. हाँ, क्या किया भाई इसका, आर्ट फॉर आर्ट सेक में आर्टिस्ट क्या करने लग जाते हैं. आर्ट फॉर आर्ट सेक मैंने बताया था, इसी को पहले तो हम क्या कहते हैं, एस्थेटिसिज्म भी कहते हैं. क्या कहते हैं, एस्थेटिसिज्म, ठीक है. आर्ट फॉर आर्ट सेक को ही हम एस्थेटिसिज्म भी कहते हैं. तो पहला ऑप्शन है प्रोड्यूस वर्क्स ऑफ आर्ट दैट वर मीन, होगा ही नहीं, वो तो एब्जर्ड में जाता है. किसमें जाता है, एब्जर्ड, एब्जर्ड थिएटर का फीचर है ये, ठीक है. बट हमें आर्ट फॉर आर्ट सेक का फीचर पूछ रहा है, रिजेक्ट आर्टिस्टिक प्रोड्यूशन प्रोडक्शन दैट वॉज ऑब्लिगेटरीली मॉरल इन कैरेक्टर. ये हो सकता है बिल्कुल, वो कह रहा है कि ऐसे आर्टिस्टिक प्रोडक्शन को रिजेक्ट करना जो खाली मॉरल होता है, ये हो सकता है अभी इसको होल्ड करते हैं. अवॉइड ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रोज, नहीं भाई ऐसा तो नहीं है, प्रोज में भी लिखा जाता है. मेक आर्ट प्रॉफिटेबल, ये भी उसका कोई मतलब नहीं है. तो आंसर क्या बना हमारा, बी, ठीक है. तो रिजेक्ट आर्टिस्टिक प्रोडक्शन दैट वॉज ऑब्लिगेटरी मॉरल. तो अब इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, आर्ट फॉर आर्ट सेक का एक्सप्लेनेशन क्या है भाई. आर्ट फॉर आर्ट सेक में हम ये लिखेंगे, ये क्या करता था, ये कहता है कि आर्ट इज ऑटोनॉमस, ठीक है, कला अपने आप में ऑटोनॉमस है. आज वोकैबुलरी की क्लास में भी ये वर्ड आया था, ऑटोनॉमस, ठीक है. ऑटोनॉमस मीन्स इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है. आर्ट इज ऑटोनॉमस, ये जो लाइन है आपने याद रखनी है. और इसका एक्चुअल में रूट कहाँ पर है, यूरोप में, फ्रांस में, ये भी नोट कर लेंगे, फ्रांस में, ठीक है. इसका रूट है, आर्ट फॉर आर्ट से एक मूवमेंट का रूट है फ्रांस में. कब, मिड 19th सेंचुरी में. सारी चीजें आपने याद रखनी है, मिड 19th सेंचुरी में फ्रांस में आर्ट फॉर आर्ट से एक आ रहा है, ठीक है. इंग्लैंड में वॉल्टर पैटर लेकर आए थे, कौन लेकर आए थे भैया, वॉल्टर पैटर, ठीक है, और ऑस्कर वाइल्डे लेकर आए थे. तो अगर आपसे पूछ लेता है कि आर्ट फॉर आर्ट सेक के इंग्लैंड में फादर कौन थे, तो देख लेना, फटाफट लिख लो, उसके बाद फिर ज्यादा नहीं रुकूंगा किसी भी क्वेश्चन में. वॉल्टर पैटर, PATER, वॉल्टर पैटर को इंग्लैंड में आर्ट फॉर आर्ट सेक का फाउंडर माना जाता है, ठीक है. चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं भाई. क्वेश्चन नंबर थ्री, Which of the following is a literary work of the lost generation? देखो सबसे पहले तो ये आप नोट करेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया हुआ है. तो ये क्वेश्चन हमारी जो सीरीज है वो है अमेरिकन लिटरेचर का क्वेश्चन है. ये अमेरिकन लिटरेचर के ऑथर्स को लॉस्ट जनरेशन कहा गया है, ये आपने नोट करना है. स्पेशली न्यू बच्चों के, न्यू स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है. तो अमेरिकन लिटरेचर से लिया है. तो इसका आंसर है कि इसमें से कौन सा जो वर्क है वो आर्ट फॉर, सॉरी, लॉस्ट जनरेशन के राइटर का वर्क है. तो इसमें हेमिंग्वे आते थे, और हेमिंग्वे का द सन ऑल्सो राइजेस, ठीक है. अपने आप को मार्किंग भी करते रहना, जिसने थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है आइडिया लग जाता है. अपने लिए करनी है मार्किंग, किसी को ज्यादा शेयर नहीं भी करें, बट अपने को मार्क करते रहें, ठीक है. तब आपको पता चलेगा टेस्ट 4, 5, 6 में आप कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं.
तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे का द सन ऑल्सो राइजेस ये किस कॉन्सेप्ट से आया हुआ है, द लॉस्ट जनरेशन। ये लॉस्ट जनरेशन को नोट करेंगे, ये टर्म किसने दिया था, गर्ट्रूड स्टीन ने दिया था भैया। गर्ट्रूड स्टीन एक फीमेल क्रिटिक है, ठीक है, अमेरिका की फीमेल क्रिटिक है गर्ट्रूड स्टीन, इन्होंने दिया था ये टर्म, ठीक है। और इसमें इन्होंने किस किस को कहा था, लॉस्ट जनरेशन के राइटर्स, ठीक है। इसमें एक तो ऑफ कोर्स हमारे द ग्रेट हेमिंग्वे थे, हेमिंग्वे, ठीक है, हेमिंग्वे थे, और एक थे यही जो इसमें, अच्छा इसमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, एफ स्कॉट फिट्ज़गेराल्ड। दोनों, दो ही राइटर लिखा रहा हूं मगर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे और भी राइटर्स आ जाएंगे, इसको आपने जरूर करना है, लॉस्ट जनरेशन के शॉर्ट नोट बना लेना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यूसेट वालों के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। लॉस्ट जनरेशन भटकी हुई पीढ़ी कहा था, क्यों कहा था, ध्यान से सुनना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये सारे राइटर्स जो अमेरिकन थे ये कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे भाई, अमेरिका को छोड़कर चले गए थे, और कहाँ पर सेटल हुए थे ये, पेरिस में, कहाँ सेटल हुए थे, पेरिस में, पेरिस में, पिछली क्लास में बता रहा था पेरिसियन वहां के निवासियों को कहा जाता था, तो पेरिस में सेटल हो गए थे, और इसीलिए इनको क्या कहा गया, लॉस्ट जनरेशन। तो इनके लिए एक वर्ड और आता है, ये सारे वर्ड्स आपने कॉपी में नोट करने हैं, एक्सपैट्रिएट्स, जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में सेटल हो जाते हैं उनको कहते हैं एक्सपैट्रिएट्स, फटाफट नोट करेंगे ये वर्ड भी। लिख लिया, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज कोर्टली लव, ठीक है, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट वाज कोर्टली लव। तो देखो भाई, कोर्टली लव बिहेवियर ऑफ एंकराइट्स तो होगा नहीं, अर्ली लिटरेचर बाय मिडिवल वुमेन राइटर्स नहीं, ठीक है, लिटरेरी कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब परंपरा, ट्रेडिशन बेस्ड ऑन द कोड ऑफ बिहेवियर, कोड ऑफ बिहेवियर मतलब बर्ताव करने का तरीका, एसोसिएट विद शिविलरस रोमांस, यस शिविलरस या शिविलरी आ गया वुमेन वर्शिपिंग वाले सेंस में, तो इसीलिए सी विल बी द आंसर। तो थोड़ा थोड़ा आपको आंसर्स निकालने भी आ रहे होंगे, तो डी तो आउट ही हो गया, मेथड ऑफ ओरल ट्रांसमिशन। तो ये आप टॉपिक क्या लिखेंगे, कौन से टॉपिक से उठाया, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर से उठाया हुआ टॉपिक, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, टॉपिक का नाम जरूर लिख दें, आपको हेल्प होगी आगे जब आप रिवीजन करेंगे, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर से उठाया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैंने बताया कि इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड इंग्लिश, मतलब तीन है इसमें कैरेक्टरिस्टिक, एक नहीं है, ठीक है। तो सेजुरा तो कैरेक्टरिस्टिक है ओल्ड इंग्लिश का, ठीक है, माइनर पॉज कहते हैं हम, एलिट्रेशन ओल्ड इंग्लिश का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक तो यही है, मैंने बताया था एज ऑफ चौसर में एलिट्रेशन वॉज रिप्लेस्ड बाय एलेग्री, तो ये तो सबसे बड़ा इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक है, सेजुरा इसका कैरेक्टरिस्टिक है ही। अब पर्सोनिफिकेशन और रोमांस, रोमांस सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है मिडिल इंग्लिश का, शिविलरी और रोमांस, तो आंसर क्या होगा, जिसने डी किया है दैट इज द करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है, आंसर होगा डी, रोमांस, इट इज द फीचर ऑफ मिडिल इंग्लिश, ठीक है। उसने पूछा था नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड इंग्लिश, पर्सोनिफिकेशन भी होता है फीचर, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन में कौन सा एक बताया था, जल्दी से बताओ, एक फीचर बताया था, यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, बैलेंस अप्रोच लेके चलो अपना, सही हुआ तो ठीक, गलत हुआ तो सीखो, आगे बढ़ो। कैनिंग्स, कैनिंग्स कहते थे कंपाउंड मेटाफर, ठीक है, हाँ, जैसे सी रोड करके बताया था मैंने, वेल के लिए बोलते थे, या सी, हाँ ऐसे करके कुछ था ना, वेल रो, हाँ वेल रोड हमने सी के लिए बोला था कैनिंग्स, तो कैनिंग्स पर्सोनिफिकेशन का ही एग्जाम्पल होता था, ठीक। फटाफट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ वर्ड, ये दिस इज अ वेरी न्यू क्वेश्चन, ये नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ उसमें, इसमें होता क्या है, वर्ड फॉर्मेशन होती है जिसमें जो नए वर्ड्स हैं वो सब्ट्रैक्टिंग अ रूट वर्ड, जो मेन बड़ा वर्ड होता है उससे बड़े वर्ड को छोटा कर देते हैं जब, बाय डिलीटिंग फाइनल सिलेबल विच इज मिसअंडरस्टूड एज अ सफिक्स, उसको सफिक्स मान लिया जाता था, मिसअंडरस्टूड मान लिया जाता है, लेकिन वो सफिक्स होता नहीं है, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा आपका, इस फॉर्मेशन को कहते हैं बैक फॉर्मेशन, इसका आंसर नोट करो पहले, इसका एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, बैक फॉर्मेशन, ठीक है,
बैक फॉर्मेशन क्या है? वर्ड फॉर्मेशन होता है जब जिसमें नया वर्ड फॉर्म करते हैं, किसी बड़े वर्ड को छोटा कर देते हैं, बस ये समझ लेना, बड़े वर्ड को छोटा कर देते हैं। और यहाँ पर बैक फॉर्मेशन में जो मेन वर्ड है वो है एडिटर। ध्यान से देखो, एडिटर में इसने क्या किया, ये देखो यहाँ पर ओ आर को हटा दिया, एडिटर ऐसे लिखा जाता था ना, और ओ आर को हटा दिया हमने, और फिर यहां से हमने क्या वर्ड बनाया, एडिट, तो बैक फॉर्मेशन हो गया, एडिटर से एडिट बन गया। पूरी क्लास फिर से ध्यान से सुनेगी, एडिट से एडिटर नहीं बना है, एडिटर से एडिट बना है। तो बैक फॉर्मेशन में क्या होता है, ये जो पीछे के वर्ड्स हैं ये बैक वाले हटा दिए जाते हैं, और ये सॉरी बैक वाले वर्ड्स रख लिए जाते हैं, और जो आगे के वर्ड्स हैं उनको हटा दिया जाता है। तो ये हुआ बैक फॉर्मेशन का एग्जाम्पल। आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें जनरली वर्ड को छोटा किया जाता है, वर्ड्स आर शॉर्टन, इसमें वर्ड्स को छोटा किया जाता है, शॉर्टन मतलब छोटा करना। इसमें क्लिपिंग और कटिंग भी होती है एक फॉर्मेशन, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। वर्ड्स को छोटा करते हैं बैक फॉर्मेशन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल और देखेंगे, इसको होमवर्क ले लेंगे सारे बच्चे, इसको और एग्जाम्पल से देखे हुए तो आपको मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट नया लाने की कोशिश है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये टॉपिक क्या है, लिंग्विस्टिक्स। टॉपिक क्या है, लिंग्विस्टिक्स से पूछा है मैंने, लैंग्वेज के जो यूनिट है हमारी सभी के लिए काम की, लिंग्विस्टिक्स से उठाया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ये है बहुत तगड़ा क्वेश्चन। वो कह रहा है कि प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब रेड, देखो रेड होता है ना, और इसका सेकेंड फॉर्म भी वैसे तो होता क्या है, रेड ही होता है, लेकिन इसकी जो इसकी फॉर्म को हम कैसे पढ़ते हैं, इस बोर्ड पे देखना, इसको हम रीड पढ़ते हैं ना, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, हिंदी में लिख रहा हूं मैं प्रोनाउंसिएशन के लिए, रेड पढ़ते हैं ना, रीड, रेड, रेड, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि ये जो हम करते हैं ऐसा, उसको कहते क्या है, हम इस चीज को हम क्या कहते हैं, एलोफोन, होमोफोन्स, होमोग्राफ या होमोनिम्स। देखो भाई फंस गए आप लोग यहाँ पर, होमोफोन्स में सेम साउंड होती है, साउंड सेम है क्या, ये देखो यहाँ पर साउंड सेम है, नहीं है साउंड सेम नहीं है, मगर क्या है भैया, स्पेलिंग सेम है। पूरी क्लास ध्यान से, हाँ पूरी क्लास ध्यान से देखेगी, यहाँ पर सारे बच्चे देखेंगे, स्पेलिंग इज सेम बट साउंड इज नॉट सेम, कैपिटल नॉट, ठीक है। तो जब साउंड सेम नहीं होती और स्पेलिंग सेम होती है तो क्या कहोगे, होमोनिम, निम माने राइटिंग, याद कराया मैंने, एंटोनिम, सिनोनिम, जिसकी राइटिंग सेम हो यानी स्पेलिंग सेम हो, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। प्रोनंसिएशन सेम नहीं था, प्रोनंसिएशन सेम है क्या, इसलिए हिंदी में लिखा मैंने, आया सबको समझ में, ठीक है। हाँ प्रोनंसिएशन सेम नहीं था, तो साउंड इज नॉट सेम और स्पेलिंग इज सेम। अब यहीं पर ही होमोफोन को डिफाइन कर लो, होमोफोन में क्या होगा, साउंड इज सेम स्पेलिंग इज डिफरेंट, साउंड इज सेम, नोट कर लेना भैया, स्पेलिंग इज डिफरेंट। हो सकता है स्पेलिंग भी कभी कभी सेम हो जाए, स्पेलिंग इज डिफरेंट बट साउंड तो सेम होगी, क्योंकि फोन का मतलब क्या है, साउंड, आया समझ में। एक चीज ध्यान से सुन लो फिर से, कि जरूरी नहीं है होमोफोन में स्पेलिंग भी डिफरेंट ही हो, कभी कभी स्पेलिंग भी सेम हो जाएगी, बट अगर हमें क्या पकड़ना है, साउंड को सेम पकड़ना है बस होमोफोन में, ना समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन चौसर्स कैंटरबरी टेल इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ करप्ट क्लर्जी। मतलब तीन करप्ट हैं इसमें, नॉट कहता है तो क्या होता है, तीन करप्ट होते हैं, एक एक जो है सही है इसमें। तो आपको याद होगा मैंने ऐसे याद कराया था कि जो लास्ट टेल है वो सही आदमी है, द पार्सन्स टेल, पार्सन टेल जो लास्ट टेल है ये बिल्कुल भी करप्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट क्लर्जी मैन है। तो आंसर क्या होगा, डी, ऑनेस्ट क्लर्जी मैन है ये पार्सन। और ये वाली टेल मैंने बताई थी, ये प्रोज में भी है, प्रोज में भी है, लिखते रहना इस पे। और ये क्या है, लास्ट टेल है, कैंटरबरी टेल्स में टोटल तो 24 कहानियां है ना, तो ये जो है लास्ट टेल है, प्रोज में है। अब प्रोज सरमन है ये, प्रोज सरमन को क्या कहते थे हम लोग, होमिली। ये क्वेश्चन भी आएगा एलटी में, लेक्चरर में, यू सेट में, सभी में आएगा, होमिली कहते थे भाई, HOMILY, ठीक है। इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ करप्ट क्लर्जी, तो आंसर होगा होमिली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आज की सीरीज में ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल
काफी नॉट वाले क्वेश्चन डाले, नॉट वाले ही पूछ रहा है ट्रेंड में, ठीक है। तो अब याद रखो, अब अपनी कॉपी में लिख लेना कौन कौन से करप्ट थे ये सारे। क्लैर्जी का मतलब तो बताया ना सबको, क्लैर्जी मीन्स रिलीजियन, रिलीजियस पोस्ट, ठीक है। तो कौन कौन से करप्ट थे, मॉन्क करप्ट है, ठीक है, फ्रायर करप्ट है, और पार्टनर भी करप्ट है। बट ये पार्टनर पार्सन के नेम सिमिलर जैसे हैं तो कंफ्यूजन होगा, तो अभी याद कर लो, SON सन जिसके लास्ट में आया वो क्या है, पॉजिटिव कैरेक्टर है, ठीक है, और वो लास्ट है, चलिए लास्ट टेल है, होमिली भी याद रखना। अब आया पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ठीक है, क्रिश्चियन पासिस थ्रू, क्रिश्चियन हीरो का नाम है पिलग्रिम प्रोग्रेस, टॉपिक आपका आ गया, आप लिख लो रेस्टोरेशन एज। कौन से टॉपिक से उठाया है क्वेश्चन, रेस्टोरेशन एज से उठाया है, ठीक है। और ये जो है पिलग्रिम प्रोग्रेस 1678 में आया है, ये 1678 में पहला पार्ट आया है इसका, और फिर सेकंड पार्ट भी है इसका, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस लगाना है हमें, कहाँ कहाँ से होकर जाता है, ठीक है। तो देख लेना सारे बच्चे इसमें, तो इसका आंसर है 1 2 3 4, ठीक है, जो ए है वही इसका आंसर है, यानी स्लो। स्लो का मतलब होता है दलदल, डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग लिख लेना। डेस्पोंडेंसी का मतलब निराशा, निराशा के दलदल से होते हुए जाता है, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या कहेंगे दलदल को, मार्शी लैंड या मार्श लैंड कहते हैं दलदल को, MARSH, मार्श लैंड दलदल होता है, ठीक है, हिंदी में दलदल लिख लेना। दलदल आपको पता है कीचड़ होती है यहाँ पर, तो स्लो ऑफ डेस्पोंडेंसी में जाता है। फिर ये वेल लिखा है, ये वेल का मतलब वैली है, वैली, वैली मतलब आपको पता है घाटी, ठीक है। ह्यूमिलेशन मतलब बेइज्जती की घाटी से जाता है, बेइज्जती की घाटी मतलब स्टेजेस हैं उसकी जो जर्नी में। तीसरा है वैनिटी फेयर, ये वाला तो बहुत फेमस, ठेकरे ने नॉवल का नाम भी लिखा है वैनिटी फेयर, उनके नॉवल का नाम भी है वैनिटी फेयर, मतलब वो एक मेले से होकर गुजरता है, मेला, फेयर का मतलब मेला। और लास्ट में फिर वो कहाँ पहुंचता है, द इटर्नल सिटी। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे कि उसका टारगेट इटर्नल सिटी है, ठीक है। चलिए तो ये क्लियर हो गया, वेल डन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट विन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। यस गाइस, हाँ जी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो लिटरेचर में पूछा है उसने, लिटरेचर में विंस्टन चर्चिल को मिला है नोबेल प्राइज, ठीक है, ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी थे, और ये फैक्ट याद रखना है आपको कि ब्रिटेन के पीएम होने के अलावा इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज है भाई। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तब ये उस समय ब्रिटेन के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो इसीलिए डी नहीं होगा, आंसर है जेम्स जॉयस। जेम्स जॉयस को कभी नोबेल नहीं मिला है लिटरेचर में, ग्रेटेस्ट मॉडर्न राइटर है ये, लेकिन नोबेल नहीं है। बाकी डेरेक वॉलकोट को नोबेल है, ये कैरेबियन है, कहाँ के है, कैरेबियन, कैरेबियन आपको पता है वेस्ट इंडीज वाला इलाका। B.S. नायपॉल अगेन इंडियन रूट्स के हैं मगर कैरेबियन है ये भी, और विंस्टन चर्चिल की कंट्री बता दी मैंने, लिखते रहना ये सब, कहाँ के, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ही हैं तो। और ये दोनों कहाँ से हैं, कैरेबियन, कैरेबियन की स्पेलिंग देख लो, CARIBBEAN, कैरेबियन लिटरेचर से उठा लिया, ठीक है। जेम्स जॉयस को नोबेल प्राइज नहीं है, लेकिन क्या टाइटल दिया मैंने इनको, ग्रेटेस्ट मॉडर्न राइटर कहा जाता है इनको, मॉडर्न नॉवेलिस्ट, स्पेशली ग्रेटेस्ट मॉडर्न नॉवेलिस्ट, यूलिसिस वाले, 1922 में इनका नॉवल आया था यूलिसिस, ग्रेटेस्ट मॉडर्न नॉवेलिस्ट, ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन है ये भी। आओ आगे बढ़ते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन लेवल देख 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सलमान रश्दी, ये वी आ गया इसमें, इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू कह रहा है, तीन ट्रू होंगे, है तगड़ा क्वेश्चन। अगर मैं होता इसमें, सबसे पहला तो मैं देखता कि क्या क्या मुझे पता है, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन को बुकर है, बिल्कुल ट्रू है ये तो, ठीक है। इसके अलावा सैटेनिक वर्सेस को इंडिया में बैन किया गया, ये भी ट्रू है, तो ए और डी, बी और डी तो निकल गया, ए और सी में है। अब ये वाला फैक्ट बता दूं, 1947 में ही पैदा हुए हैं ये, ठीक है, क्योंकि बुकर प्राइज में जो हीरो है ना सलीम शिनाई, वो भी इसी की एलिगरी है, तो ये भी सही है। तो अब आंसर क्या आया, सी, द मूर्स लास्ट साई। तो नोट करो इस नॉवल पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछली बार भी आया था, 1995 में नॉवल पब्लिश हुआ है, इसकी सेटिंग नॉर्थ अफ्रीका नहीं है, ये नोट कर लेना। इसकी सेटिंग क्या है, बॉम्बे और कोचीन, भारत में बॉम्बे,
जहाँ ये पैदा ही हुए हैं। और कोचीन, आपको पता है साउथ इंडिया की एक पोर्ट सिटी है कोचीन, तो बॉम्बे और कोचीन इसकी सेटिंग है। मूर्स लास्ट साई, कल मैंने मूर का मतलब बताया था, ब्लैक स्पेनिश, हाँ स्पेनिश ब्लैक के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, ओथेलो जैसे इसका एग्जाम्पल था। चलिए तो क्लियर हो गया, तो सी वॉज द आंसर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अगेन मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। देखो मैच द फॉलोइंग की ट्रिक होती है, अगर एक या दो भी पता है ना तो आपको निकल जाएगा। जैसे आपको कमला दास का इंट्रोडक्शन पता है ना, ठीक है, और आपका इम्तियाज धरखड़ का पर्दा ये भी पता होना चाहिए आपको। तो फर्स्ट का सिक्स और फोर्थ का फिफ्थ, तो फर्स्ट का सिक्स और फोर्थ का फिफ्थ कहीं पर दिख रहा है आपको? ए, ठीक हो गया, फर्स्ट का सिक्स सेकंड का सेवन। अभी सुजाता भट्ट ने क्या लिखा है, सर्च फॉर माई टंग, ये आप देख लेना, ठीक है। और थर्ड का एट, ममता कालिया, इन्होंने क्या लिखा है, ट्रिब्यूट टू पापा, ये क्वेश्चन भी आ रहा है कभी कभी। तो ये माइनर पोएट है सुजाता भट्ट और ममता कालिया। बट इम्तियाज धरखड़ के बारे में जल्दी से देख लेते हैं भाई, इम्तियाज धरखड़ ने क्या किया था, शी रिफ्यूज्ड पोएट लॉरिएटशिप, पूरा डिटेल लिखा है मैंने इनके बारे में। शी हेल्स फ्रॉम पाकिस्तान, मैरिड टू एन इंडियन मराठी, पाकिस्तान से हैं ये और इंडियन मराठी से इन्होंने मैरिज करी है, इसलिए इनका टाइटल क्या है, धरखड़। धरखड़ एक मराठी टाइटल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी कहाँ पर है ये, ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में रहती हैं। तो ऐसे राइटर को क्या कहते हैं जो मल्टीपल नेशनैलिटीज का होता है, जैसे सलमान रश्दी, डायस्पोरिक। मेन वर्ड इनके लिए क्या है, ब्रिटिश डायस्पोरा से आते हैं या डायस्पोरिक हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इनका यही है कि इन्होंने पोएट लॉरिएटशिप को रिफ्यूज किया था, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में इन्होंने पोएट लॉरिएटशिप को रिफ्यूज कर दिया था, ईयर भी नोट कर लेना, 2019 में। तो तीन कंट्रीज को ये डाइसेक्ट करती हैं, ठीक है, इम्तियाज धरखड़। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर सम ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ द कन्वेंशंस ऑफ द पोएटिक फॉर्म ऑफ ओड, लिटरेरी टर्म्स वाले कॉन्सेप्ट में। अरे 13 छूटा, चलिए 13 को देखते हैं। एन एग्जॉर्टेटरी स्पीच, ठीक है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एग्जॉर्टेटरी मतलब लोगों को उन्माद देने वाली, मतलब जिसे हम कह सकते हैं प्रोवोकेटिव, एक वर्ड नोट कर लो उसके लिए, प्रोवोकेट कर या प्रोवोक करने वाली, प्रोवोक लोगों को, आप समझ रहे हैं ना, इमोशंस को और बाहर ला, हाँ, झकझोरने वाली, ठीक है। तो प्रोवोकेटिव स्पीच होती है, ठीक है, जनरली किसको दी जाती है, क्राउड को दी जाती है, टू इंसाइट, इंसाइट मीन्स भड़काना देम टू सम एक्शन, ताकि वो कुछ एक्शन ले सकें। क्या किया इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं होता तो सरमन आउट कर देता, ठीक है, और मोनोलॉग आउट कर देता, क्योंकि मोनोलॉग तो एक ही सिंगल स्पीकर होता है, बचा डिक्लेमेशन और हैरांग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, डी इज द आंसर, हैरांग कहते हैं इसको, HARANGUE, हैरांग, हैरांग, ठीक है, हैरांग इज अ प्रोवोकेटिव स्पीच, ठीक है। सबसे फेमस एग्जांपल याद है आपको उसमें, ठीक है, किसने बोला, H2 ब्रूटस, कौन से फेमस प्ले में है एक स्पीच है, जूलियस सीजर, एग्जैक्टली, जूलियस सीजर में, ठीक है, हैरांग का यूज किया गया है। स्पेलिंग देखेंगे जूलियस सीजर की, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया बहुत ही फेमस नाटक, ठीक है, जूलियस सीजर, ठीक है, मार्क एंटनी की स्पीच है ना जूलियस सीजर में, हैरांग का एग्जाम्पल जरूर नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 14 में। व्हाट आर सम ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ द पोएटिक फॉर्म ऑफ द ओड, ओड का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हॉलमार्क पूछा है, तो याद रखना ओड में ना आपने का चेक करो कि का आंसर होगा। देखो कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, सिंपल नहीं होते हैं, सिंपल तो होते हैं बैलेंस, तो सिंपल वाले ऑप्शंस को निकाल दो, ठीक है। अब बी और डी बचा, अब देख लेते हैं, लेंथीनेस इन फॉर्म, लेंथीनेस इन फॉर्म, सीरियसनेस इन एटीट्यूड, और ये क्या है, ह्यूमरसनेस इन एटीट्यूड, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, सीरियसनेस इन एटीट्यूड, बी, ह्यूमर नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है, ओड बहुत ही सीरियस थीम्स पर होते हैं, तो 14th का आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। तो ओड्स पर मैं बहुत चर्चा कर चुका हूँ, जल्दी से बता देता हूँ, तीन तरीके के ओड आपको याद रखने हैं। एक तो होता है पिंडारिक, इसका कोड याद रखना है, फटाफट नोट कर लो जिनका लिटरेरी टर्म्स छूटा है, पिंडारिक। फिर एक क्या होता है, होरेशियन ओड, और तीसरा बता दो, इंग्लिश ओड, ठीक है, जिसको और क्या कहते हैं हम, काउलेजियन ओड, और क्या कहते हैं,
इररेगुलर ओड, ठीक है, ये रिवीजन हो रहा है, फटाफट लिखते रहना। इररेगुलर ओड, काउलेजियन ओड, अब्राहम काउले के नाम पर इसका तीसरा नाम भी है काउलेजियन ओड, ठीक है, COWLESIAN, काउलेजियन ओड, ठीक है, इंग्लिश ओड, इररेगुलर ओड या काउलेजियन ओड, ठीक है। अरे भाई ठीक है, क्लियर है ना सबको, इसके तीनों नाम याद रखने हैं आपको। चलो, किसने लिखा था लाइफ ऑफ काउले, ये यस डॉक्टर जॉनसन ने लिखा था लाइफ ऑफ काउले, ठीक है, याद रखना, इसी में मेटाफिजिकल टर्म कॉइन किया था, वही वाला काउले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। T.S. एलियट कंसिडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरीज एवर रिटन। ये थोड़ा सा इसमें तुक्का नहीं मारना हमें, लेकिन फिर भी अगर मुझे होता तो मैं टू द लाइट हाउस पहले आउट कर देता, क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी नहीं है, नॉवल है वर्जीनिया वुल्फ का। तो हम ऐसे अप्लाई करते हैं अपने अपने नॉलेज को। द हार्ट ऑफ डार्कनेस भी नॉवेला है तो ये आउट कर देता मैं, और सररियलिस्ट मैनिफेस्टो और डेड में मुझे नहीं पता, मगर ये मैनिफेस्टो टर्म आया है तो मैनिफेस्टो एक शॉर्ट स्टोरी जनरली नहीं होगी, तो एक अंदाजा लगा के भी इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। आंसर है द डेड, ठीक है, द डेड ये शॉर्ट स्टोरी है, इसको T.S. एलियट ने ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी कहा है, ठीक है। आपको इसको देखना है कि ये किसने लिखा है, ठीक है, इसको आप देखिए, ठीक, इसको आप पूरा सर्च करिएगा, ये शॉर्ट स्टोरीज में आएगा क्वेश्चन आपके, LT लेक्चरर नेट सभी के लिए यूसेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट स्टोरी के सेक्शन से आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें, तो मैं इसको खोल नहीं रहा हूँ उस टॉपिक को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। देखो अब आ गया आपका एंग्लो नॉर्मन से, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स को मिडिल इंग्लिश के डेवलपमेंट के लिए क्यों यूजफुल माना जाता है, ठीक है, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स को, तो इसमें ना इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ दीज आंसर्स, ठीक है। इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ किंग्स कोर्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय नॉर्मन फ्रेंच, बिल्कुल सही बात है। इवेंचुअली इंग्लिश वॉज रीस्टैब्लिश्ड डीपली इंफ्लुएंस्ड बाय नॉर्मन फ्रेंच, इंग्लैंड फिर इंग्लिश लैंग्वेज फिर से रीस्टैब्लिश भी करती है अपने आप को। और तीसरा, फॉर अ टाइम, यानी कि कुछ समय के लिए इंग्लैंड बिकेम अ कंट्री विद टू लैंग्वेजेस, कौन कौन सी दो लैंग्वेजेस, नॉर्मन फ्रेंच और एक इंग्लिश, ठीक है। तो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स क्या नाम था इसका दूसरा, और नॉर्मन कंक्वेस्ट को ही तो दूसरा बैटल ऑफ हेस्टिंग्स कहते थे हम, ठीक है, नॉर्मन कंक्वेस्ट की ही बात की है, उसने खाली घुमा दिया है लैंग्वेज, नॉर्मन कंक्वेस्ट, ये तो हम सब लोगों को पता है कब आया था, 1066, ठीक है, तो नॉर्मन कंक्वेस्ट ही बैटल ऑफ हेस्टिंग्स है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, बैटल ऑफ माल्डन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा आपका क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट तो गलत हो सकता है। तो बैटल ऑफ माल्डन देखो नॉर्मन कंक्वेस्ट में तो नहीं था ये, ठीक है, तो यहाँ आउट हो गया। अब क्रूसेड्स जो है, क्रूसेड्स धर्म युद्ध होते थे, जो कि ऐसा कहीं इसका वर्णन नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअली याद रखना, बैटल ऑफ माल्डन इसलिए क्वेश्चन दिया मैंने, ये वाइकिंग्स की रेड्स के लिए जाना जाता है, तो 991 में हुआ था ये, और इंग्लैंड हार गया था इसमें, किन से हारा था, वाइकिंग्स, वाइकिंग्स कौन थे, तो आंसर इसका हो गया ए, वाइकिंग्स कौन थे भाई, सी रॉबर्स, समुद्री लुटेरे, नोट होगा ये पॉइंट, सी रॉबर्स थे, वाइकिंग्स कहा जाता है उनको, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर एंग्लो नॉर्मन की नोट्स में मिल जाएगा आपको, 991 में हारे थे, और ये आते थे और क्या करते थे, ये लूटपाट मचा देते थे और शहरों को लूट देते थे, ये वर्ड भी नोट होगा। इनकी रेड्स बहुत ही ज्यादा फेमस है, रेड का मतलब क्या होता है, RAID, रेड, रेड का मतलब, हाँ वैसे तो होता है छापा, छापा मारना, लेकिन यहाँ पर रेड का मतलब है प्लंडर करना, इंग्लिश में एक वर्ड आएगा प्लंडर, मतलब लूटपाट मचाना और फिर चले जाना, प्लंडर किया, ठीक है, गोल्ड ले गए और भी बहुत सारी रिसोर्सेस को ले गए, ठीक है, लोगों को मार गए प्लंडर करके, एंड दे रिटर्न, सो दैट इज कॉल्ड एज रेड, तो प्लंडरिंग भी कहते हैं, नोट कर लेना वर्ड, ठीक है, वाइकिंग्स की रेड्स। तो ये बैटल हुआ था, बैटल ऑफ हार गया था, किन से हारा था, वाइकिंग्स से, ठीक है, ये स्कैंडिनेवियन ट्राइब्स होती थी और सी रॉबर्स के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 18, देयर इज नो पॉजिटिव रिलेशनशिप, भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी लिंग्विस्टिक से आ गया, ठीक है, देयर इज नो पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन अ स्पीच एंड अ साउंड,
जो हम बोलते हैं और जो हम लिखते हैं उसके बीच में कोई सीधा रिलेशनशिप नहीं है। क्वेश्चन समझना, जो हम बोलते हैं जैसे ए बोला ना और ये लिखा, तो कह रहा है वो कि जो मैं बोल रहा हूं यानी कि जो मेरी स्पीच है, ए बोल रहा समझाने के लिए आपको, और लिख क्या रहा हूं मैं, इसको ऐसे लिख रहा हूं, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, बी बोल रहा हूँ ना हिंदी में, ये लिखने के लिए समझा रहा हूँ, ये मेरी स्पीच है, ये क्या है स्पीच, और फिर मैं लिख क्या रहा हूँ इसको, सॉरी ये क्या है साउंड है, ये क्या है साउंड है, और ये क्या है स्पीच है, ठीक है। स्पीच का मतलब रिटन वाला ना, तो इन दोनों के बीच में जब कोई रिलेशन नहीं होता है, और भाषा के इस घटक को, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, ठीक है। देखो याद रखना, ये हमें पता नहीं है तो इसको नोट कर लो, आर्बिट्रेरी मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, जो हम बोलते हैं और जो हम लिखते हैं उनके बीच में कोई फिक्स वैल्यू ना होना। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, नो फिक्स्ड वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ससुर ने बोला था, फर्डिनेंड डे ससुर, नो फिक्स्ड वैल्यू, ससुर ने कहा था कि जो हम बोलते हैं और हम लिखते हैं उनके बीच में कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है, और इसको उन्होंने आर्बिट्रेरी बोला था। किसने बोला था, लिंग्विस्ट का नाम नोट करेंगे, फर्डिनेंड डे ससुर। यूसेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एलटी वालों के लिए हमारा फैक्ट बना के पूछ लेगा, फर्डिनेंड डे ससुर, SASSUR, स्विस लिंग्विस्ट, स्विट्जरलैंड के महान भाषा विज्ञानी फर्डिनेंड डे ससुर ने बोला है कि लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। एक लाइन में फिर से लिख सकते हैं, आर्बिट्रेरी का मतलब नो फिक्स्ड वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी, TRAR, ट्रेरी, आर्बिट्रेरी, लिख लिया सबने। चलिए तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हु कॉल्ड द फॉलोअर्स ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म एज फ्रॉग पॉन्डियंस। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है अमेरिकन लिटरेचर। पहले तो टॉपिक लिख लेंगे, ट्रांसेंडेंटलिज्म जब भी आएगा तो कौन सा टॉपिक आएगा, अमेरिकन लिटरेचर। इतना तो एटलीस्ट हमें सबको पता होना चाहिए, नए पुराने सभी साथियों को, कि ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या है भाई, रिनेसा ऑफ अमेरिका। इसको अमेरिका क्या साहित्यिक रिनेसा कहा जाता है, रिनेसा ऑफ अमेरिका ट्रांसेंडेंटलिज्म को कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें नोट कर लेना भाई कि ट्रांसेंडेंटलिज्म ऑफ अमेरिका, ये 1836 में, ईयर भी दे रहा हूं मैं, 1836 में इमर्सन लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे, इमर्सन, राल्फ वाल्डो इमर्सन, ठीक है। ये बेसिक फैक्ट्स आपको सॉर्ट आउट होने चाहिए, इमर्सन लेकर आए थे। तो इनको ट्रांसेंडेंटलिज्म को फ्रॉग पॉन्डियंस का मतलब क्या है, जो फ्रॉग की तरह जंप करता है, जंपिंग लाइक अ फ्रॉग, ठीक है। अब इसका मैं रिलेशन आपको बता रहा हूं तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, पहले तो इस फ्रॉग पॉन्डियन का मतलब लिखेंगे, जंपिंग लाइक अ फ्रॉग, दो तीन तरह के सेंस में है। फ्रॉग की तरह जंप करना मतलब एक स्टेबल व्यू पॉइंट ना होना, या फिर नैरो माइंडेडनेस को भी कहते हैं हम, कहते हैं कुएं का मेंढक वाले सेंस में भी। तो यहाँ पर देखना कि पहले तो ये रेफरेंस क्यों लिया है, और पहले तो आंसर बता देता हूं मैं, तो किसने कहा है इसको, इसको फ्रॉग पांडियंस, सो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दिस टर्म फ्रॉग पॉन्डियन,
दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, राइट? सो द आंसर इज एडगर एलन पो. ठीक है, फ्रॉग पॉन्डियन ये जो टर्म है ये एडगर एलन पो ने दिया था. मैं इस टर्म की हिस्ट्री बता रहा था आप लोगों को, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे. मैंने बताया था कि यहाँ पर जो हमारे थोरयू थे ना, थोरयू THOREAU, तो थोरयू जो है एक वॉल्डन पॉन्ड में रहते थे, वॉल्डन पॉन्ड के पास रहते थे ना, और इसीलिए, और पॉन्ड में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, फ्रॉग. तो इसीलिए एडगर एलन पो ने इसको एक अपमानजनक भाषा में क्या बोला था, ट्रांसेंडेंटल को फ्रॉग पॉन्डियंस. तो यहाँ पर अपमानजनक भाषा के लिए डेरोगेटरी टर्म के तौर पर आप इसको यूज करेंगे एडगर एलन पो ने. डेरोगेटरी टर्म का मतलब नोट कर लेंगे आप, इंसल्टिंग. ठीक है, इंसल्ट है फ्रॉग पॉन्डियंस. ठीक है, क्लियर. और एडगर एलन पो कौन है, जल्दी से किसके फादर है भाई, ये फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. शॉर्ट स्टोरीज के पूरे वर्ल्ड में जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज लिखी गई उसका ट्रेंड को स्थापित किया एडगर एलन पो ने. ठीक है, फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज कहते हैं इनको. अमेरिकन लिटरेचर में भी पूछ लेगा या खाली इंग्लिश लिटरेचर में भी पूछेगा कि फादर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज कौन है, तो एडगर एलन पो आएगा. इसके अलावा पो को क्या बोलते हैं, नोट करेंगे, फाउंडर या फादर ऑफ सिम्बोलिज्म इन अमेरिका. सिम्बोलिज्म का भी फादर बोलते हैं भाई. पो से बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं गाइस, ध्यान से देखना. एडगर एलन पो को फादर ऑफ सिम्बोलिज्म इन अमेरिका बोलते हैं. ठीक है, अमेरिका में सिम्बोलिज्म के फादर हैं ये. और तीसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पो को गोथिक राइटर भी बोलते हैं, या गोथिक स्लैश, एक वर्ड दे रहा हूं पूरी क्लास ध्यान से देखिएगी, अमेरिकन रोमांटिसिज्म को हम क्या बोलते हैं, डार्क रोमांटिसिज्म. नोट करेंगे, डार्क रोमांटिसिज्म. ब्रिटेन की रोमांटिसिज्म को खाली रोमांटिसिज्म बोलते हैं, अमेरिकन रोमांटिसिज्म के लिए फ्रेज याद रखना है सारे बच्चों को, डार्क रोमांटिसिज्म या गोथिक रोमांटिसिज्म कहा जाता है. इसके भी प्रोपाउंडर एडगर एलन पो हैं. ठीक है, आइए बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20. सबसे इजी क्वेश्चन मुझे लगता है बिल्डुंग्स रोमा, बेसिक्स ऑफ नॉवेल्स में पढ़ाया मैंने. क्या कहते हैं, क्या कहेंगे बिल्डुंग्स रोमा को? हाँ, आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस, बिल्कुल नॉवल ऑफ ग्रोथ. ठीक है, हम इसको कहते थे, ठीक है, बिल्डुंग्स रोमा की इनर ग्रोथ. ठीक है, या फिर हम इसको और क्या बोलते थे एक और टर्म से, कंडीशन नहीं, एक क्या था, कमिंग ऑफ एज. यस, के एग्जाम्स में कमिंग ऑफ एज नॉवल. कमिंग ऑफ एज का मतलब मैच्योरिटी. बिल्डुंग्स रोमा जर्मन वर्ड है. ये भी पूछ सकता है कि इस वर्ड का ओरिजिन क्या है, जर्मन है, पढ़ा रखा था बेसिक्स में. जर्मन वर्ड है कमिंग ऑफ एज, नॉवल ऑफ ग्रोथ, नॉवल ऑफ इनर ग्रोथ, कुछ भी कह सकते हैं आप, भी लिख लेना जर्मन. ऑथर हु मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन थियोलॉजिकल ट्रूथ एंड साइंटिफिक ट्रूथ. ट्रूथ की बात, खासकर थियोलॉजी और बात किसने की होगी, फ्रांसिस. तो आंसर हो गया 21 का ए, सिंपल वन लाइनर है कि सत्यों को बताया है, एक तो धार्मिक सत्य और एक कोर्स. बेकन किसको ज्यादा सुपीरियर मानेंगे, वैज्ञानिक संत को, साइंटिफिक ट्रूथ को. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, इलियट ने हेमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर क्यों कहा है भाई? हाँ, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया है कि उन्होंने एक टर्म दिया था इलियट ने, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. तो उन्होंने कहा था कि शेक्सपियर या हेमलेट लैग्ड ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, शेक्सपियर फेल्ड टू फाइंड एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. ठीक है, जल्दी से बताओ कि इन्होंने इसमें हेमलेट को और क्या कहा था, एक टर्म से डिफाइन किया था, आर्टिस्टिक फेलिसा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ठीक है, हेमलेट टीएस एलियट ने बोला था, एक क्वेश्चन आएगा, मोनालिसा की मिस्टीरियस स्माइल पर बताया था मैंने. ठीक है, मोनालिसा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोला इन्होंने. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 23. ठीक है, विच वॉर डज टॉलस्टॉयज वॉर एंड पीस डिस्क्राइब. बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इस टॉपिक का नाम नोट करेंगे आप, वर्ल्ड लिटरेचर. वर्ल्ड लिटरेचर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये वर्ल्ड लिटरेचर क्लासिक्स में आता है. कौन सा वर्क है भैया, वॉर एंड पीस. बात हो रही है लियो टॉलस्टॉय की, तो ये कहाँ के हैं, रशियन राइटर हैं, रशियन लिटरेचर है. तो वर्ल्ड लिटरेचर या रशियन लिटरेचर कुछ कहते हैं आप इसको. और इसमें कौन सी सेंचुरी के हैं, ये 19th सेंचुरी के राइटर हैं. तो इसमें वॉर एंड पीस को ग्रेटेस्ट नॉवल भी कहा गया है कई जगह,
को भी कहा है ग्रेटेस्ट नॉवल, और वॉर एंड पीस को वैसे एक टाइटल में बता देता हूँ, ये वर्ड नोट कर लेना, मोस्ट वॉल्यूमिनस। वॉल्यूमिनस का मतलब होता है लेंदी। स्पेलिंग देखेंगे VOLUMINOUS, वॉल्यूमिनस, या फिर आप इसको हाँ ट्राई कर रहे हैं इसमें आंसर। वेल डन, गो। फर्स्ट वर्ड इन तो 19th में, तो ये दोनों वैसे आउट हो गए। बोर वॉर अफ्रीका के पता, और नेपोलियन इन्वेजन ऑफ रशिया, इतना बड़ा वर्ड रशिया दे दिया मैंने पहले। सी, नेपोलियंस इन्वेजन ऑफ रशिया, ठीक है, जो रशिया में आक्रमण किया था उस पर आधारित है वॉर एंड ये। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट पहले भी बताया था कि ये इंस्पायर किया था इनकी राइटिंग्स ने, ठीक है, टॉलस्टॉय की राइटिंग्स ने, इट इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी। टॉलस्टॉय एक मार्क्सिस्ट या कह सकते हैं सोशलिस्ट राइटर है, आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीटी मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, टॉपिक आएगा लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कौन से दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? देखो, एक तो इसमें ये सही है, फोकसेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग विद लिटिल अटेंशन टू लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग तो नहीं होगा, ठीक है, फोकस किस होगा, रीडिंग राइटिंग, तो एक तो ऑप्शन वन वाला होगा, तो ये ऑप्शंस सी एंड डी आउट हो गए। अब 1 एंड 3 या 1 एंड 2, ठीक है, क्या है, वोकैबुलरी सॉर्ट थ्रू बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट, और सिमेंटिक सिलेबस का मीनिंग होता है, सिमेंटिक का मतलब मीनिंग, तो ये भी आउट हो गया, तो यानी कि ऑप्शन आंसर होगा बी, 1 एंड 2, वोकैबुलरी इज टॉट थ्रू बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट। वोकैबुलरी को बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट से पढ़ाया जाता है, और इट फोकसेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। टेक्स्ट बुक मेथड भी बताया था ना, जीटी मेथड को ओल्डेस्ट मेथड भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आ जाएगा टीचिंग इंग्लिश में, विच इज द ओल्डेस्ट मेथड, तो जीटी मेथड इज द मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। वोकैबुलरी को बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट से पढ़ाया जाता है। फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स बाय कमला सुरैया, भैया बताओ, कमला दास का दूसरा नाम पूछ लिया आपने भैया, तो क्या है इनका पहला पोइट्री कलेक्शन, किसी को पता है कंफर्म? समर इन कैलकटा, करेक्ट, समर इन कैलकटा, समर इन कैलकटा इनका पहला पोइट्री कलेक्शन। नाम नोट करेंगे कमला दास, ठीक है, इंपॉर्टेंट कलेक्शन है समर इन। ठीक है, शी कन्वर्टेड टू इस्लाम, मैंने बताया था, ठीक है, कमला सुरैया हो गई थी कमला दास से, तो ये इसलिए इसे आता है एग्जाम्स में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज द टोटैलिटी इंडिविजुअल, देखो यहाँ पर ये याद रखना, इंडिविजुअल की स्पीच हैबिट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए डाला मैंने, याद रखना इडियोलेक्ट, वेरी इडियोलेक्ट हम कहते हैं इसके लिए, ऐसे भी नोट कर लो, टिपिकल स्पीच हैबिट, इंडिविजुअल के अलग अलग होते हैं कि नहीं, आपने बॉलीवुड में सुना होगा, ठीक है, इंडिविजुअल्स टिपिकल स्पीच हैबिट, भाई शाहरुख खान हम जाते हैं हकला जाते हैं कभी कभी, या उनकी एक स्पीच थी किरण वाली, तो वो किसमें आएगा, इडियोलेक्ट में आएगा। इडियोलेक्ट क्या है, इंडिविजुअल टिपिकल, ठीक है, इसी तरह आपको याद होगा में नाना पाटेकर का डायलॉग, ठीक है, इस टाइप, तो इस अब ध्यान से सुनना, यही इडियोलेक्ट जब ये इंडिविजुअल से हटकर यदि सोसाइटी की स्पीच हैबिट्स बन जाए, तो इनमें से कौन, डायलेक्ट, तो डायलेक्ट में नोट कर लेना सोसाइटी। ये देखो रजिस्टर, सारे ऑप्शन बता दे रहा हूँ, आएगा ये रजिस्टर, डायलेक्ट क्या है, सोसाइटी की स्पीच हैबिट, रजिस्टर क्या है, तो हिंदी में एक सूत्र आई थी इसकी, परिस्थिति जन्य भाषा, कंटेक्सुअल लैंग्वेज,
ठीक है, जो परिस्थितियों के अनुसार पैदा हो जाती है। ठीक है, ज्यादातर बिजनेसमैन यूज करते हैं ना, उनके बिजनेस की जो लैंग्वेज होती है उसको हम बोलते हैं रजिस्टर। सो इट इज कंटेक्चुअल लैंग्वेज, ये रजिस्टर लिंग्विस्टिक्स का टर्म है यहाँ पर, कंटेक्चुअल लैंग्वेज, परिस्थिति जन्य। जैसे मान लो दो बिजनेसमैन हैं और व्यापार हैं, तो उनके व्यापार में जो वर्ड बार बार आएगा उससे उन्होंने एक वर्ड कॉइन कर लिया, तो वो क्या हो गया, रजिस्टर। और स्लैंग तो आप लोग को पता ही है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स यूज करते। ठीक है, स्लैंग क्या है, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, अनौपचारिक भाषा, कई बार इसमें अपशब्दों का भी प्रयोग हो जाता है लेकिन मजाक अंदाज में। तो इनफॉर्मल लैंग्वेज आप जरूर लिख देंगे, स्लैंग कहते हैं उसको, खासकर शॉर्ट में बोलते हैं बहुत स्लैंग्स को। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भाई यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, क्या होगा? काफी दिनों से चल रहा है क्वेश्चन हमारा, एंटी थीसिस। ठीक है, यूनाइटेड का अपोजिट हो गया डिवाइडेड और स्टैंड का अपोजिट हो गया फॉल। तो दो क्लॉज जब अपोजिट पड़ जाए तो उनको हम क्या कहते हैं, एंटी थीसिस। ध्यान से सुनना, बाकी की डेफिनेशंस क्लियर कर रहा हूँ। बैथोस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, बैथोस। बैथोस का मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल, बैथोस के दो तीन मतलब होते हैं अगर हम देखें मेन, लेकिन बैथोस का अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं पैरेडी। ठीक है, बैथोस का पैरेडी, ठीक है, खासकर अपर अपर हाई पैरेडी। ठीक है, हाई पैरेडी को हम बैथोस कह देते हैं, बहुत बार आएगा ये टर्म पैरेडी। ठीक है, टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी देखना, रिपीटेशन को कहते हैं। ये वर्ड्स याद कर लो भाई, ये आएंगे एग्जाम्स में, रिपीटेशन। जब हम अननेसेसरी रिपीटेशन या फोर्स के लिए, तो टॉटोलॉजी कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि, अगर मैं, जैसे कई लोग बोल देते हैं कि आई एम रिपीटिंग इट अगेन, एक तो वर्ड रिपीट बोला और अगेन भी बोल दिया, तो क्या हो गया वो? ठीक है, रिपीटिंग, एग्जाम्पल नोट कर लोगे तो कोई, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ये इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉटोलॉजी, क्योंकि रिपीट का मतलब ही दोबारा से बोलना होता है। तो ग्रामेटिकल एरर भी हो सकता है ये, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच में इसको टॉटोलॉजी बोलेंगे, रिपीटिंग इट अगेन। ठीक है, हम लोग एम्फसाइज करने के लिए यूज करते हैं। और लिटोट्स, लिटोट्स होता है नेगेटिव अंडरस्टेटमेंट। नेगेटिव, जब नेगेटिव सेंटेंस बनता है नॉट का करते हैं, और लेकिन होता क्या है वो, अंडरस्टेटमेंट। हाइपरबली का अपोजिट होता है लिटोट्स, कल मियोसिस पढ़ा था हमने। ठीक है, उसी का अपोजिट है, नेगेटिव अंडरस्टेटमेंट को हम लिटोट्स बोलते हैं। जैसे बहुत ही फेमस लाइन दे रहा हूँ, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो नॉट का यूज भी हो गया। लिख लेना एग्जाम्पल में लिटोट्स के, थोड़ा सा एनर्जी लास्ट क्लास में ज्यादा रखनी होती है हमें, तो मैंने क्या बोला, लिटोट्स में रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। चलिए, तो ये हो गया आपका। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ये वाले अगर हमने थोड़ा सा ब्रेन को अप्लाई करें, सबसे पहले अगर हम इसमें देखें बेसिक लेवल पे, तो सनेट ही दिख रहा है ना, तो सनेट हो गया, तो बी और सी को तो आउट कर दो आप। अब सनेट के बाद पीरियोडिकल ऐसे आए या गोथिक नॉवल, तो भाई पीरियोडिकल ऐसे अर्ली 18 सेंचुरी में आए और गोथिक नॉवल बाद में आए, 18 सेंचुरी के सेकेंड हाफ में आए। तो पहले पीरियोडिकल ऐसे आए, फिर गोथिक नॉवल, और फिर लास्ट में एब्जर्ड प्ले 20th सेंचुरी में आए। तो आंसर क्या हो गया, ए। तो 28 का आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए 29th में आते हैं। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजी, देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेस्टोरल एलर्जीज की क्रोनोलॉजी है। आंसर होगा, हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है। देखो इसका आंसर है सी, लिसिडास मिल्टन ने लिखी है ना, उसके बाद एडोनिस हम जानते हैं रोमांटिक है, उसके बाद थायरेसिस हम जानते हैं मैथ्यू आर्नल्ड, इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स अडन ने लिखी है। ये वाला टॉपिक पढ़ा कि डब्ल्यू एच अडन ने इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी एलिजी है, ठीक है, वो लिखी है। तो आंसर हो गया सी। फाइनली हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर नहीं आएगा तो छोड़ देना है, नेगेटिव है तो, अगर नहीं है नेगेटिव तो खेल कर आना है भाई पूरा। तो यहाँ पर इसका आंसर है जी के चेस्टरटन ने दिया था ये टर्म, बिल्कुल लर्न कर देना है, आपको ये आ सकता है क्वेश्चन, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता। विक्टोरियंस लोग हर चीज में क्या करते थे ना,
क्या करते थे, कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे। इसमें इनका फेमस क्वेश्चन ये आता है कि किन दो चीजों के बीच में हमेशा से कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिखाई देते हैं, टेनिसन, ब्राउनिंग, आर्नल्ड? तो रिलीजन और साइंस। ठीक है, ना तो प्योरली रिलीजियस हैं ये लोग और ना तो प्योरली साइंटिफिक हैं, उनके बीच का कहीं इनके स्पिरिट दिखाई देती है। तो इसको जीके चेस्टर्टन ने क्या बोला है, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तो ये था हमारा आज का धुआंधार सेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत क्वेश्चंस मिल रहे हैं इनका। आप पीडीएफ्स डाउनलोड करिए और हमारे नए साथी जो हैं उनको भी बताइएगा, शायद फिर हम इसमें सीरीज क्लोज करेंगे फिर सबके लिए ना, तो इसीलिए सबको बताते रहिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगले एमसीक्यूज के सेशन में। ठीक है, थैंक यू।